आज आपके भाई का IAS में सिलेक्शन हुआ है, किस तरह की खुशी का माहौल है आपके यहाँ? खुशी हो रही है कि हम बयां नहीं कर। गरीब किसान का बेटा बना IAS। वो कहते हैं ना, परिंदों को सिखाई नहीं जाती उड़ाने आसमानों की, वो खुद ही जान लेते हैं बुलंदियां आसमानों की। ऐसी ही एक मिसाल बुलंदशहर की तहसील इसियाना के छोटे से गांव रघुनाथपुर से देखने को मिली है। गरीब किसान के बेटे पवन ने साबित कर ही दिया है कि जिनके हौसले बुलंद हो उनके सामने मुश्किलें भी अपने घुटने टेक देती हैं। जी हां, हम आपको बता दें, पवन कुमार ने UPSC की परीक्षा पास कर 239वीं रैंक हासिल की है और पवन कुमार कच्चा मकान और पॉलीथिन के छप्पर में रहते हैं और बेहद गरीबी में पालन पोषण हुआ है। आपको बता दें, पवन कुमार को तीसरी प्रयास में कामयाबी मिली है। आइए आपको दिखाते हैं बुलंद शहर से गरीबों के हौसले बुलंद करती ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोल्डी राणा। आज आपके भाई का IAS में सिलेक्शन हुआ है, किस तरह की खुशी का माहौल है आपके यहाँ? खुशी हो रही है कि हम बयां नहीं कर सकते, पूरी फैमिली वाले। अच्छा, कि यहाँ कितने समय रह गए उन्होंने पढ़ाई की, किस तरीके से उनके पढ़ाई का वो था? वो उन्होंने सेल्फ स्टडी की और सबसे ज्यादा तो वो बाहर ही रहा, घर पे बहुत कमी से रहा। आपका क्या कहना है? अम्मा जी, मेरा नाम भैया सोमन है। अच्छा, आपके लड़के आज IAS में सिलेक्शन हुआ है तो आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत ही खुशी है, ज्यादा से ज्यादा खुशी। और आपके और कितने बच्चे हैं? बच्चे चार। अच्छा, क्या क्या कर रहे हैं भैया? ये तो खेती बाड़ी कर रहे हैं, पढ़ लिख के। आपको बता दें कि पवन कुमार के पिता एक किसान हैं जिनके पास 4 बीघा जमीन है, जिस पर खेती व मजदूरी कर उन्होंने अपना परिवार को संभाल रखा है। 4 बीघा जमीन और एक कच्चा छप्पर डाला मकान ही इस परिवार की कुल संपत्ति है। पवन कुमार बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे और पढ़ लिख कर परिवार की गरीबी हमेशा के लिए दूर करना चाहते थे, क्योंकि शिक्षा ही गरीबी दूर करने का एक मात्र विकल्प है। छप्पर में रहकर पढ़ाई करने वाले पवन की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है और बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ पवन कुमार के पिता मुकेश कुमार ने बताया कि वो चाहते थे कि पवन कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर ले जिससे घर चलाने में मदद हो सके, पर पवन कुमार पर तो एक ही भूत सवार था कि उनको IAS बनना है। साथ ही गांव के लोगों का भी यही कहना है कि पवन कुमार पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे और बहन गोल्डी भी अपने भाई से बहुत प्रभावित है और वो भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। गोल्डी ने बताया कि उनके भाई बेहद सैंपल हैं और जब घर में होते हैं तो सिर्फ पढ़ाई ही करते रहते हैं। मेरा नाम गोल्डी। गोल्डी, आप पवन कुमार ने जो है UPSC में चयन उनका हुआ है, क्या कहेंगी? मैं बस यही कहूंगी कि उसने बहुत ही नाम करा, गांव का तो गांव का, जिले का भी करा, बुलंदशहर जिले का करा, और हम सबको इतनी खुशी हो रही है कि बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही तो है। तो क्या लगता था कि पवन कुमार अपनी जो मंजिल है उसे हासिल कर पाएंगे? जी, मुझे बिल्कुल विश्वास था कि जो हम मेहनत कर रहे हैं ना उस मेहनत का फल हमारा भाई हमें बिल्कुल देगा। तो कितने घंटे पढ़ते थे, क्या शेड्यूल था उसका? वो मतलब 18-20 घंटे पढ़ लेते थे। 18-20 घंटे पढ़ते थे तो इसी छप्पर में रहकर पढ़ाई करते थे? जी हाँ, इसी में पढ़ाई। लाइट वाइट तो यहाँ आती नहीं, कैसे करते थे मैनेज? नहीं, वैसे लाइट तो आती है लेकिन इन्वर्टर लाइट नहीं है, और जब लाइट चली जाती थी तो फोन की लाइट है और क्या नाम है, फिर मतलब हम डीवे वगैरह जला लेते थे। तो यहाँ गाँव में ऐसे भी लोग होंगे ना जो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करते होंगे, कहाँ IAS बनेगा? जी बिल्कुल है, उन्होंने बोला था कि इससे तो कॉन्स्टेबल भी नहीं होगा क्लियर, या क्या IAS बनेगा। मैंने कहा भाई चलो कोई नहीं, मेहनत कर रहे हैं, कभी तो तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन भगवान ने दिखा दिया उन लोगों। अभी उन लोगों के मुंह पर ताले लग गए हैं। हाँ जी बिल्कुल। अभी अभी भगवान ने लगा दिए। आप क्या बनना चाहती हैं, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो मिला होगा भाई से? जी मुझे यूपी पुलिस पसंद है, मुझे यूपी पुलिस बनना। बात हो गई पवन जी से? हाँ, पर रात हुई थी उसको। अच्छा, कब आ रहे हैं? 10-15 दिन के लिए बोला था कि मुझे भी काम है, तो मैं 10-15 दिन बाद। बेहद खुश हैं? बिल्कुल, उसे तो यही नहीं पता कि मैं कितना खुश हूँ। क्या कहेंगी अब? मैं अब मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा खुशी की वजह से। मुकेश कुमार राणा। पवन जी के फादर हैं आप? हाँ जी। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी मजदूरी। अच्छा, तो पवन कुमार का चयन UPSC में हुआ है, खुश हैं? हाँ बहुत, बेहद उसकी सफलता हुई, मेहनत कामयाब मिली। तो किस तरह से ये सफर रहा, एक गरीबी किससे निकल कर IAS तक का सफर किस तरह रहा? उसने बहुत कठिन मेहनत करी अपनी स्थिति के मुताबिक। मैं भी नहीं कहा बेटा को छोटी मोटी जॉब देख ले,
मेरी स्थिति आटे में ये गई है कि जो तुझे हम यहाँ तक पहुँचा, मैं बोलो नहीं पापा मैं पढ़ूंगा तो आईएएस ही बनूंगा। मैंने तेरी मर्जी है भाई, चलो हम तेरे पीछे मेहनत मजदूरी और करेंगे। तो चारों बच्चे पढ़ाने या महंगाई में, बस यही है कि समय से पहले बुढ़ापा आएगा पर मेरी मेहनत मजदूरी सब सफलता कामयाब करी। और सभी के लिए हम ये कह रहे हैं कि अपने बच्चों के संग मेहनत करें, प्रयास करें तो सबके बच्चे को कामयाब मिले। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि अगर गरीबी को तोड़ना है तो शिक्षा जरूर है, शिक्षा जरूरी है, प्रयास जरूरी है। तो अब आपकी बात हो गई है पवन से? हाँ कल ही बात है पाई कि पापा मेरा नंबर आ गया, उसके बाद फिर मीडिया वाले ने वो बिजी कर रखा। तो खेल कूद में कैसे थे, कोई शौक खेल पढ़ाई के सिवा? खेल कूद को कोई खास शौक नहीं हो, कितने पढ़ने में कितने घंटे पढ़ते थे? 18-20 घंटा थी उसकी पढ़ाई, गई आई साइड पे भी फर्क पड़ गया उसकी पे, खुराक इतनी मिल नहीं पाई। जब पहली बार सफलता नहीं मिली थी, चयन नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हुए होंगे, क्या कहा था आपसे या आपने उनको कुछ कहा हो? वो उसने फोन करोगे पापा मैं एक नंबर से फेल है गया, तो मैंने कहा तू हिम्मत तो नहीं हारो पढ़ने से निकलना, तो मैंने कहा जब तू हिम्मत ना हारो तो भैया हम भी हिम्मत ना हारे, तू फिर पढ़ दोबारा फार्म भर। उसने आपके फिर फार्म भरो तो आपके उसको सफलता। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही है कि सभी अपने बच्चों को मेहनत करें बच्चों के संग, और बच्चों को पढ़ाएं, सबकी बच्चों की लाइफ बने, सभी तरक्की करें। सुमन, सुमन जी क्या लगती हैं आप पवन जी की? माता जी क्या कहेंगी, इतने बड़ा जश्न का दिन है। भैया मैं बहुत खुश हूँ। बात हो गई है? हाँ। तो कुछ बताइए ना, क्या पसंद करते हैं खाने में, कैसे हैं, क्या खाते हैं? पसंद करता है, जब आएगा तो कचौड़ी बनाएंगे। कचौड़ी बनाएंगे? हाँ। आता था जब भी कचौड़ी। हाँ जब भी कचौड़ी खाता। खुश हैं आप? हाँ बहुत खुश।